देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया में बिहार राज्य सिंचाई विभाग कर्मचारी यूनियन ने निकाली रैली। रैली के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखा। स्थानीय इंदिरा गांधी स्टेडियम से निकलकर यह रैली शहर के आरएनसा चौक पर पहुंची। इन कर्मियों का कहना है कि सरकार विभाग के कर्मियों के साथ नाइंसाफी कर रही है। साल में महज 4 महीने ही काम लेती है, बाकी के 8 महीने पूछती तक नहीं। इतना ही नहीं, वेतन भुगतान के नाम पर भी कई बार लंबे समय तक अटका रह जाता है। इन कर्मियों ने आरोप लगाते हुए सरकार की जल जीवन हरियाली योजना पर भी निशाना साधा है। इन कर्मियों का कहना है कि बीते दिन धमदाहा के रूपसपुर खगहा में पोखर निर्माण के लिए जो कार्य किया है, उसका असर साथ के किसान मजदूरों पर पड़ा है। वहां बोरिंग से पानी नहर से निकालकर पोखर में दिया गया, जिससे किसानों को काफी परेशानी हुई है। मामला क्या है, क्यों आप लोग ये रैली निकाले? हम लोग कल के मुख्यमंत्री जल हरियाली योजना आई कार्यक्रम था मिर्गन में। इस समय मिर्गन के बगल में सटीक नहर था, उस नहर में बोरिंग से पानी दे के जनता को, किसानों के आंख में धूल झोंकने के काम किया है सरकार, और सिंचाई सुविधा किसान को वंचित किया जा रहा है। और न सिंचाई, इसमें काम करने वाले जितने वर्कर हैं, दैनिक वेतन भोगी सिंचाई मौसमी, उसको अनेक सालों भर काम नहीं मिल रहा, जिस कारण से स्थिति गंभीरता से इसकी आर्थिक स्थिति की बेहाल हो गया है। बाहर जाना पड़ता है दो तरह, और ये सालों भर के लिए मौसमी कर्मचारी को हम लोग इस मांग के लिए सरकार से हम लोग मिर्गन में जल हरियाली योजना में हम लोग ज्ञापन सौंपा था। हाँ, और उसमें हम लोग को जितने मीडिया प्रभारी थे, उसमें हमारी मांगों को नहीं दिखाया गया। और दुख की बात है, क्या परेशानी क्या हुई आप? परेशानी यही है कि हम लोग सिंचाई मौसमी मजदूर 12-8 महीना काम करते हैं। हम लोग को वेतन सही ढंग से नहीं देता है। हम लोग का काम अब सीजन में 4 महीना, कभी 3 महीना ऐसे काम लेके हम लोगों को 12 महीना काम नहीं देता है। इस मांग के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो आप लोग अभी सिंचाई मौसमी कर्मचारी, अभी आप लोग ये रैली कहाँ से निकाले, कहाँ जा रहे हैं? रैली है स्टेडियम से। हाँ। यहाँ।